या हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम आवर 43rd नेशनल वेबिनार ऑन द इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू ऑल माय पार्टिसिपेंट्स, ऑल द व्यूवर्स, दोज आर रेगुलरली ज्वाइन आवर वेबिनार इन डेली बेसिस, एंड आल्सो थैंकफुल टू अवर टीम, डॉक्टर पूर्ति त्रिवेदी एंड डॉक्टर सुजान पटेल, एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा। नाउ वी आर कंटिन्यू विद अवर 43rd नेशनल वेबिनार ऑन द इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन के ऊपर, तो कम्युनिकेशन है क्या? पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन है क्या और इफेक्टिव वे में हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन को अगर आप देखने जाएं तो कम्युनिकेशन के जरिए से किसी भी व्यक्ति की वह स्किल होती है कम्युनिकेशन, जिसकी सहायता से वो अपने कैरियर को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां तक वह ले जाना चाहता है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप सफलता की उस राह पर चल देते हैं जहां पहुंचना प्रत्येक इंसान का सपना होता है। एक बातचीत का माध्यम है, आप किस तरीके से बातचीत करते हैं और किस तरीके से अपने बातचीत को इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो आप चाहे स्टूडेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉय या कोई सर्विसमैन हो या बिजनेसमैन, यदि आप अपनी फील्ड में बेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। तो आइए सबसे पहले आज हम वेबिनार में डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल्स दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपने विचारों, आइडियाज को, अपने अनुभवों, फीलिंग को या किसी सूचना या इन्फॉर्मेशन को अपने सामने वाले व्यक्ति या समूह को देता है। यह लिखकर, बोलकर और संकेतों द्वारा की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को, अपने अनुभवों को या किसी सूचना को आपस में शेयर करते हैं तो उसे भी हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जब आपस में बात करने वाले दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, अनुभवों को, सूचना को इफेक्टिव यानी कि असरकारक और इम्प्रेसिव तरीके से शेयर करते हैं तो उनकी इसी योग्यता को और संचार कौशल को कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। अर्थात द एबिलिटी टू कन्वे और शेयर आइडियाज एंड फीलिंग इफेक्टिवली इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स की खास बात यह होती है कि इसमें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को अपने आइडियाज उसी रूप में दूसरे को देता है जिस रूप में वह देना चाहता है। तो दोस्तों, आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना कोई एक या दो दिन का काम नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। आप कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा इफेक्टिवली आप उसको यूज करेंगे, उतना ही समय आप जितना समय उस पर व्यतीत करेंगे उतना ही आपका कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत और इफेक्टिवली हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करने से आपको ज़्यादा इफेक्टिव असर आपके कम्युनिकेशन स्किल से पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आज मैं एक छोटी सी एक हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी कैसा है? सोच बदलो और जिंदगी बदल जाएगी। कहानी का शीर्षक है अपनी सोच बदलो और जिंदगी बदल जाएगी। होता क्या है, एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान रहते थे। उनकी फसल खराब हो रही थी, बच्चे भूख से मर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए।
उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया कि उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगेंगे और सब लोग महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी सारी समस्या विस्तार से बताई। महात्मा ने कहा कि आप सब मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ समाधान ढूंढकर बताता हूँ। गांव वालों ने कहा ठीक है, और वो वहां से चले गए। एक हफ्ते बीत गया, लेकिन साधु महात्मा कोई भी हल ढूंढ ना सके और उन्होंने गांव वालों से कहा कि अब तो आप सबकी मदद केवल ऊपर बैठा वो भगवान ही कर सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने लगे, भगवान को खुश करने के लिए, और भगवान ने उन सबकी बात सुन ली और उन्होंने गांव में अपना एक दूत भेजा। गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि आज रात को अगर तुम सब एक एक लोटा दूध गांव के उस वाले कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर बारिश हो जाएगी और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इतना कहकर वो दूत वहां से चला गया। गांव वाले बहुत खुश हो गए और तब लोग उसे कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह एक लोटा पानी डाल देता हूं तो किसको पता चलने वाला नहीं है। रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश होने का इंतजार करने लगे, लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही दिख रहा था और बारिश के होने की कोई संभावना नहीं दिखी। देर तक बारिश का इंतजार करने वाले सब लोग उस कुएं के पास गए और जब उस कुएं में देखा तो कुआं पानी से भरा हुआ था और उस कुएं में दूध का एक बूंद भी नहीं था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई, और वो इसलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरफ से सारे गांव वालों ने यही सोचा था कि वह भी दूध डालेंगे और एक लोटा पानी डाल देने से क्या फर्क पड़ता है। और इसी चक्कर में किसी ने कुएं में दूध का एक बूंद भी नहीं डाला और कुएं को पानी से भर दिया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको आज की कहानी से ये सीख मिलती है कि आप जैसा सोचते हैं सेम तरह की गलती आजकल हम अपने रियल लाइफ में भी करते रहते हैं। हम सब सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ करने से क्या होता है, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आप अपने देश, समाज, घर में कुछ बदलाव चाहते हैं तो सबको मिलकर, साथ मिलकर ही कुछ ना कुछ करना होगा, जिससे कि आपका सहयोग से ही परिस्थितियों को बदला जा सके। सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद अवर द टॉपिक इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाई डू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल? आपको कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने की जरूरत क्यों है? आजकल प्रभावी संचार कौशल विकसित करना क्यों जरूरी है? यह तो आप सभी जानते हैं कि आजकल कंपटीशन का युग है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पाना चाहते हो, हर क्षेत्र में आपको कंपटीशन से सामना करना पड़ेगा। कंपटीशन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, यदि आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो सबसे अच्छा और सबसे अलग तो आपको करना ही होगा। कुछ यूनिकनेस आपको दिखानी पड़ेगी, जिससे कि आपको अपनी कम्युनिकेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। आपको चाहे लिखकर कम्युनिकेट करना हो या बोलकर कम्युनिकेट करना हो, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स कंपटीशन में काम आता है। आजकल तो अधिकतर जॉब में इंटरव्यू होते हैं और इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों के आंसर आप इफेक्टिव तभी दे पाएंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो। आप एक दिन में बहुत से लोगों से बात करते होंगे और अपने आइडियाज को दूसरों को बताते भी होंगे। अपने आइडियाज को 100% वैसा जैसा आप चाहते हैं यदि दूसरों तक पहुंचा पाते हैं तो इसको ही आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अगर आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अगर आप एज इट इज सामने वाले को वो चीज़ समझा सकते हैं, यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल एकदम इफेक्टिव और इम्प्रूव है। अभी आप देखेंगे कि आप चाहें स्पीकिंग इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो या प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के आप इनमें से किसी को भी बेहतर नहीं बना सकते।
अतः इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग मुझे मेल करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल सर, काफ़ी लोग कमेंट में लिख देते हैं, काफ़ी लोग हमारे चैनल एच के मीडिया रिसर्च पे कमेंट भी करते हैं, काफ़ी लोगों के मेल भी हमारे पास आ रहे हैं। जो हमारा ईमेल आईडी है skmediatech@gmail.com, उस पर काफ़ी लोगों ने मेल किया, सर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कैसे करें? क्योंकि जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव नहीं होगी, आपको अपनी बात दूसरे तक समझाना बहुत ही कठिन रहेगा, और दूसरी बात कि आपका इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। अगर आपको चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन स्किल मजबूत हो, कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग बोलकर ही, बात करके ही दूसरे को सम्मोहित कर लेते हैं और अब उनसे अपना मनचाहा काम निकलवा लेते हैं। आप बोलते रहे यार, उसका बहुत बात करने का तरीका बहुत बढ़िया है, वेरी इंप्रेसिव, वो किसी से ही बात करेगा तो उसको तो समझो उसका काम तो होना ही होना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसकी जो प्रैक्टिस है, उसकी बात करने का जो लहजा है, उससे आप लोग आकर्षित होते हैं और उससे ही आपको ऐसा लगता है कि भाई इनका काम करने के तरीके से हमको सुनने में मज़ा आ रहा है, और आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल उसमें इम्प्रूव दिखाई पड़ती है। अगर आप देखेंगे कि बहुत से स्पीकर होते हैं जिनको आप सुनते हैं, बहुत से स्पीकर हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर, जिनको आप बार बार सुनना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका स्पीकिंग इंग्लिश या स्पीकिंग हिंदी या स्पीकिंग अदर लैंग्वेज, जो भी भाषा में वो बातचीत करते हैं, उनके बात करने का तरीका, उनके बात करने का लहजा, उनकी बात करने की वो छटा, उनके बात करने का वो अंदाज, उनके बात करने का तरीका, वाक के कौशल आपको सम्मोहित करता है और आपको बार बार सुनने के लिए मजबूर करता है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को उसी ही तरीके से इम्प्रूव करना होगा ताकि आपकी बात लोग सुने और आपकी बात सुनने में लोगों को इंटरेस्ट हो। तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, आप कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? आज का वेबिनार मैं मोस्ट ऑफ हिंदी में लेना चाहता हूँ ताकि बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि इंग्लिश में आप बात कर रहे हैं, इंग्लिश में आप बातचीत करते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक आपको ऐसा लगता है कि आपको यू आर स्पीकिंग वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन वे। तो आज का वेबिनार हिंदी में इसलिए ले रहे हैं कि जो जो भी हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी को समझते हैं, वो भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। ऐसा नहीं है कि किसी भी आदमी ने आपसे इंग्लिश में बात करी या कोई बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा, से नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल एक टेक्निक है, एक प्रैक्टिस है। कम्युनिकेशन स्किल एक आप बोल सकते हैं साइंटिफिक वे है कि आपको किस तरीके से बात करना चाहिए। अभी हम टेक्निक जो है कम्युनिकेशन स्किल की, उनको हम देखते हैं। तो पहला हमारा कम्युनिकेशन स्किल टेक्निक है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि पहले आपको दूसरों की बातें कि टेक टू टाइम टू थिंक बिफोर स्पीकिंग, जब भी कोई बात आप कहें उससे पहले आप समय लें उसको सुनने का। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बात को पूरा सुने। आपने देखा बहुत से लोग जब बात करते हैं तो आगे वाले की बात सुनते ही नहीं, अपनी बोल बोल करते रहते हैं। जब आप अपना ही बोलते रहोगे तो सामने वाला आपकी बातों में रुचि नहीं लेगा। आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी बनेगा जब आपके दोनों तरफ से कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन में दोनों को इंटरेस्ट आना चाहिए, दोनों को बात करने में मज़ा आना चाहिए, तो ही वो इफेक्टिव रहेगा। अगर एक ही आदमी बोल रहा है तो दूसरा उसमें बोर हो जाएगा, तो वो आपका कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं बन सकता। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो पहले आप सुनिए, कुछ बोलने से पहले आप सामने वाले की बातों को सुनिए कि वो क्या कहना चाहता है। जब आप उसकी बातों को सुनेंगे और उसकी बातों के अकॉर्डिंग अनुसार अपनी बातों को ढाल करके उससे बात करेंगे कुछ समय लेने के बाद, तो आपका कम्युनिकेशन एक प्रॉपर ट्रैक पे चलेगा
और आपकी बातों को सुनने में सामने वाले को भी रुचि रहेगी और उसको आप अपना कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि भाई वो बोल कुछ और रहा है, आप आंसर कुछ और दे रहे हैं, वो चाहता कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं, तो आपके दोनों के बीच में मिस कम्युनिकेट हो जाएगा। आपने काफ़ी बार सुना था यार हम दोनों में मिस कम्युनिकेशन हो गया। मिस कम्युनिकेशन का रीज़न ही वही है कि आप एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे। पहले आप एक दूसरे की बातों को समझिए, कोई भी जवाब देने से पहले थोड़ा सोचिए, विचार करिए और फिर उसको उत्तर दीजिए। सेकंड इफेक्टिव टेक्निक जो है कम्युनिकेशन के अंदर वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के समय आपका बॉडी पोस्चर, आपका हैंड स्टाइल ठीक वैसा ही होना चाहिए जिस तरह की आप बात करते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव दिखना चाहिए, इम्प्रेसिव दिखना चाहिए। और आपका बॉडी लैंग्वेज अगर नेगेटिव दिखा तो आपका कम्युनिकेशन वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी अपने बॉडी लैंग्वेज को नेगेटिव नहीं रखना है, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं रखना है, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को एकदम पॉजिटिव वे में, सिंपल वे में कम्युनिकेट हो सके आपकी बातों को उस तरीके से रखना है। और जब आप आपका बॉडी पोस्चर है या आपका हैंड का स्टाइल है, जब भी आप बात करें तो उसी तरीके से मूव अगर होता है जिस तरीके से कि आप बातें कर रहे हैं और उसको वो सपोर्टिव दे रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव और असरकारक हो जाएगा। सो थर्ड टेक्निक ऑफ आवर टुडेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक इज कि आपको आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जब किसी से बात करें तो आपको आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो और आपके बात करने का तरीका, आपका आई कांटेक्ट उसके साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है तो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल मिसमैच कर जाएगी और आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है बातों को समझाने में। तो आपका आई कांटेक्ट आपकी बातों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर आप सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, अगर आपका आई कांटेक्ट एकदम प्रॉपर है और आप उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो आप देखिए आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कन्विंसिंग पावर एकदम से इम्प्रूव हो जाएगा। आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा है उसका आई कांटेक्ट बहुत ज़ोरदार है, वो अपनी आँखों से, आपने सम्मोहन शब्द सुना होगा, सम्मोहन आँखों से होता है, सम्मोहन हिप्नोटाइज आँखों से होता है। लेकिन आँखें आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए, और जब आप सामने वाले से बात करें तो उसकी बातों का आंसर आंखों से होना चाहिए। चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रखिए ताकि सामने वाले आपकी बातों को सीरियसली ले। और ऐसा नहीं है कि भाई अगर कुछ सीरियस मैटर चल रहा है और आप वहाँ पे दांत निकाल के हंस रहे हैं बातों में, वो भी आपका एकदम से गलत पोस्चर और गलत तरीके से आपका बिहेवियर वहाँ पे बन जाएगा। अभी देखिए, अभी अगले टेक्निक पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आलस को त्याग दें। अगर आप आलस करते हैं तो आलस आपको कहीं लेकर नहीं जाए। किसी ने कहा भी है कि लेजीनेस वॉन्ट गेट यू एनीवेयर, आपको आलस कहीं लेकर के नहीं जाएगा। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है। प्राचीन समय में एक राजा रहता था जिसने एक बार एक बड़ा सा पत्थर एक सड़क के बीच में रख दिया और एक झाड़ के पीछे छिपकर बैठ गया ये देखने के लिए कि उस पत्थर को सड़क से कौन हटाता है। उस सड़क से बहुत सारे लोग आए गए लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाया नहीं और सब लोग पत्थर के किनारे से निकल गए। सब लोग राजा को दोष दे रहे थे कि कैसा राजा है, सड़क को साफ नहीं करवाता, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस पत्थर को वहां से हटाया नहीं।
अब क्या हुआ, एक दिन वहां से सब्जी की टोकरी लिए एक किसान जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने अपनी सब्जी की टोकरी को नीचे उतार करके उस पत्थर को वहां से हटाने लगा। पत्थर काफी बड़ा था तो उसे वो पत्थर हटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने वो बड़ा सा पत्थर वहां से हटा दिया। पत्थर हटाने के बाद उस किसान की नज़र पत्थर के नीचे दबे एक थैले पर पड़ी, जो बहुत सारे सोने के सिक्के, रुपये, पैसे, हीरे, जवाहरात से भरा हुआ था। पत्थर हटाने के बाद राजा बाहर आया और उस किसान से कहा कि सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भरा थैला उसका ही है जो इस पत्थर को हटाता। यहाँ से बहुत सारे लोग गुजरे, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को नहीं हटाया, और अंत में तुमने इस पत्थर को हटाया, इसलिए ये सारा इनाम तुम्हारा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आप अपने आलस को त्याग देंगे, अगर आलस के बसीभूत नहीं होंगे, तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए अपॉर्चुनिटी, मौका कभी भी मिस नहीं होगा और आप उसको बेहतरीन तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। सो नाउ डिस्कस विद आवर फोर्थ टेक्निक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो फॉर बेटर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि जब आप बात कर रहे हो तो आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्द बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्लियर वर्ड्स। यदि आप अटक अटक कर बोलते हैं या आपके शब्द क्लियर नहीं होते, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप किसी से बात करें तो पहले तो आप शब्दों पर वजन रखिए। शब्दों का उच्चारण जो है एकदम से साफ रखिए, ताकि आपके शब्दों के उच्चारण को सामने वाला समझ सके। अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो भी आपका ये कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है। और अगर आप अटक अटक के बोलते हैं, अगर आप कोई बात कर रहे हैं अटक के बोलते हैं, तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत है कि आप डेली प्रैक्टिस करें। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो आपका, आप क्या बोल रहे हैं सामने वाले को जब तक पता ही नहीं चलेगा, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे मजबूत होगा? आप चाहते हैं सामने वाले को कन्विंस करना, आप चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सामने वाले के दिमाग तक जाए, आप चाह रहे हैं कि सामने वाला आपकी बातों में रुचि ले, आप चाह रहे हैं कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो पूरा 100% सामने वाले को कन्वे हो, तो इसके लिए आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। जो भी आप बातें करते हैं आपको बिल्कुल खुलकर और साफ वे में बतानी चाहिए। तोतला के अटका के अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बेटर है कि डेली प्रैक्टिस करके उसको दूर किया जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ द फिफ्थ टेक्निक ऑफ बेटर कम्युनिकेशन इज टोन ऑफ वॉइस। तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि दूसरों से कम्युनिकेट करते समय आपकी आवाज की टोन बिल्कुल सही होनी चाहिए। साथ ही आप अपनी आवाज को सुनने वालों की दूरी के हिसाब से कम या ज्यादा रखें, यानी आपको अपनी वॉइस के वॉल्यूम को सही रखना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कहीं पे सेमिनार कर रहे हैं, कहीं पे वेबिनार कर रहे हैं, तो आपको आपकी आवाज़ एकदम से प्रॉपर बैलेंस में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप छोटा सा हॉल है और आप चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, लाउड वॉइस में बात कर रहे हैं, या हॉल बड़ा है, पब्लिक ज़्यादा है और आप बहुत धीरे से बात कर रहे हैं।
आपको जब तक आपकी वॉइस में बैलेंस नहीं रहेगा, आपकी आवाज़ को लोग सुन नहीं पाएंगे। आपकी आवाज़ लोगों के कान तक प्रॉपर वे में जानी चाहिए। अगर आप अपनी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, अगर आप अपने आवाज़ के द्वारा सामने वाले को समझा नहीं पा रहे, या आपकी आवाज़ से सामने वाले को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं आपके वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है। तो आप जितना हो सके उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, वर्कआउट करिए और उसको आप ठीक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे ज़रूरी यह है कि किसी से कम्युनिकेट करते समय आप आत्मविश्वास से भरपूर हों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सबके सामने आए और पॉजिटिव इम्प्रेशन रहेगा। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अर्जेंट मीटिंग, बड़ी मीटिंग है, तो आप उसको अगर मालिक है कंपनी के तो उस कॉन्फिडेंस में मिलिए, और अगर एम्प्लॉय है तो उस कॉन्फिडेंस में मिलिए। आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्ट अप करेगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है काम करने के लिए, और आपका कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है दूसरों तक अपनी बातों को कन्वे करने के लिए। सो द नाउ सेवेंथ टेक्निक ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूवमेंट इज क्वांटिटी। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपको अपनी बातचीत की क्वांटिटी पर भी ध्यान देना होगा। ये जितनी जरूरत हो उतना बोले, ना ही जरूरत से ज़्यादा बोले, ना ही जरूरत से कम बोले। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वांटिटी। आपको जितनी ज़रूरत हो, आपको लगे कि जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप कम बोल रहे हैं। आपको कहीं पे कम बोलना है, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो मतलब आपके अंदर इनबैलेंस ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके कारण आपको तकलीफ पड़ सकती है। और आपका कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बोलने से आपकी इज्जत भी चली जाती है। तो कहते हैं गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, आपको आपकी बातचीत में संयम है, आप अगर क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, आप उतना ही बोलते हैं जितनी ज़रूरत है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल रेयरली और बहुत ही इफेक्टिव बन जाएगा, और जिससे आपके सामने वाले आपको और ज़्यादा सुनना चाहेंगे। एंड द एट्थ टेक्निक ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल इज क्वालिटी। इफेक्टिव कम्युनिकेट करने के लिए आपको अपनी बातचीत की क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है तो आपको अपनी बातचीत पर भी ध्यान देना होगा। अगर आपकी बातचीत में क्वालिटी नहीं है, अगर हम बात कर रहे हैं किसी और टॉपिक पे, आप किसी और टॉपिक का आंसर दे रहे हैं, हम अगर ए के बारे में बात कर रहे हैं, आप सी के बारे में बता रहे हैं, मतलब आपके दोनों के विचार, दोनों की बातचीत अगर नहीं मिलती है तो आपका क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम है। तो इसको आप दूर कर सकते हैं। आप जितना हो सके उतना क्वालिटी ऑफ इम्प्रेशन पे काम करिए। अभी अगला जो है, नाइन्थ इफेक्टिव टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूवमेंट इज द फेस एक्सप्रेशन। इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह की बात आप करते हैं उसी तरह के आपके फेस एक्सप्रेशन भी होने चाहिए। अर्थात यदि आप गुस्से से बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर गुस्से के भाव होने चाहिए। अगर आप किसी के साथ मजाक में बात कर रहे हैं तो आपके अंदर आपके चेहरे से वो चीज़ दिखनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ में सीरियसली बात कर रहे हैं, आप किसी के साथ में एकदम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, तो वो आपके चेहरे से होना चाहिए। कहीं ऐसा ना आप सीरियसली बातें कर रहे हैं और आप उसको मजाक में ले रहे हैं, आप उसको सीरियसली कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपका जो फेस एक्सप्रेशन, आपके चेहरे के जो हाव भाव हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन स्किल में।
अगर आप समझो कि कोई इम्पोर्टेंट वस्तु है तो इम्पोर्टेंट वस्तु आप बता रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंट वस्तु की तरह लगना चाहिए कि यू आर सीरियसली अबाउट दिस टॉपिक और अबाउट दिस सब्जेक्ट, तो दिखनी चाहिए। अगर आप किसी को हा ही करके खाली इन्विटेशन देते हो तो मतलब वो तो समझेगा कि दिस इज मैटर ऑफ लाइट, आप इसको लाइटली ले रहे हो, और लाइटली ले रहे हो तो फिर लाइटली तो आपको पता ही है कि भाई आप जिस तरह से काम करोगे उस तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फेस एक्सप्रेशन भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आप जिस तरह का माहौल और जिस तरह का वातावरण उसके हिसाब से अगर आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं तो इट्स ए वेरी गुड। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डेली प्रैक्टिस, आपकी डेली की प्रैक्टिस जो है वो आपके कम्युनिकेशन को स्किल को तैयार कर सकती है। अब अगर आप इसकी एक प्रैक्टिकल एक छोटा सा एक टेक्निक है कि आप इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप से बात करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती करते हो, क्या सही कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है आपको पता चलता है ना कि आपकी गलती कहाँ पे है, आप कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं, और आप उसको लगे हुए हैं अपने, आपको लग रहा है मैं तो यार सही बोलता हूँ, सबको सही करता हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा सेल क्लोज नहीं हो रहा, मेरा कम्युनिकेशन स्किल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन आपको आपकी प्रॉब्लम खुद नहीं मालूम पड़ेगी। तो एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल है, आप इसको कर सकते हैं, आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करेंगे तो आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। अभी अगली टेक्निक बताने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी और सुनाता हूँ मैं आपको कि संघर्ष ही आपको मजबूत बनाएगा, स्ट्रगल विल मेक यू स्ट्रोंगर। आपको जितना संघर्ष करना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाने के लिए वही आपको मजबूत बनाएगा। इस पर एक छोटी सी स्टोरी है। एक समय की बात है, एक आदमी काम से कहीं जा रहा था और रास्ते में उसने एक तितली को देखा। ये साथ कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई हुई है लेकिन फिर भी मैं इस कहानी को रिपीट कर रहा हूँ कि किस तरीके से संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। तो एक समय की बात है, एक आदमी काम से कहीं जा रहा था और उसने रास्ते में एक तितली को देखा जो कि अपने अंडे से बाहर आने का प्रयास कर रही थी। वो आदमी वहाँ बैठ गया और उस दृश्य को देखने लगा। घंटों बीत गए और तितली अंडे के उस छोटे से छेद से बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष कर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा कि वो तितली अंडे के उस छोटे से छेद में फंस गई हो। वह बैठा तो आदमी उस तितली की मदद करने की सोची, उसने एक कैंची लिया और अंडे के उस छेद को बड़ा कर दिया और तितली आसानी से बाहर आ गई। अंडे से तितली के बाहर निकलने के बाद उस इंसान ने देखा कि उसका शरीर फूला हुआ है, पंख सूखे हुए हैं, और उसने सोचा कि थोड़ी देर इंतजार करता हूँ तो तितली अपने पंख फैलाएगी तब उसे उड़ने में उसकी मदद करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं, उस तितली को अपनी पूरी ज़िंदगी फूले हुए शरीर और सूखे हुए पंख के साथ बितानी पड़ी। एक दयालु हृदय होने के बावजूद भी वो इंसान ये नहीं समझ सका कि तितली को उस अंडे से निकलने में संघर्ष करना भगवान का एक रास्ता है जो उसे दुनिया में सुरक्षित लाने के लिए बनाया गया है। वो बेचारा बहुत दुखी हो गया और वहाँ बैठकर वो रोने लगा। तभी वहाँ पर एक ऋषि मुनि निकले और ऋषि मुनि ने पूछा, बालक क्या हुआ, तुम इतने दुखी उदास और रो क्यों रहे हो? तो बालक ने कहा, महाराज मैंने आज एक तितली को अंडे से निकलते हुए देखा, वो बेचारी बहुत परेशान थी, मुझे लगा शायद अंडे का मुख छोटा है और वो उससे नहीं निकल पा रही है, इसलिए मैंने उसको एक कैंची की सहायता से मुख को बड़ा कर दिया जिससे वो आसानी से निकल गई। लेकिन महाराज ये तितली को देखिए, ये ना तो उड़ पा रही है और ना ही इसके शरीर में कोई हरकत हो रही है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है और डर हो रहा है कि क्या हुआ। तो उन ऋषि मुनि ने कहा कि वत्स, तुम एक दयालु प्रवृत्ति के मनुष्य हो, लेकिन तुम्हारी दयालु भावना से आज एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। उन्होंने कहा कि ये तितली का जो अंडा है इसका छेद इतना छोटा कैसा है, आपने कभी सोचा? ये कुदरत ने बनाया है, ये प्रकृति ने दिया है इसे,
ये भगवान की दी हुई रचना है कि वो इतने छोटे से छेद से अपने संघर्ष के सहारे बाहर निकलती है, तब जाके उसे एहसास होता है और उसे अपने पंखों की कीमत मालूम पड़ती है और तभी वो इस दुनिया में उड़ पाती है। अगर हर एक को आसानी से चीज़ें मिलती जाएंगी, अगर हर चीज़ आपको इजीली मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, तो शायद आपको उसका मोल पता नहीं चलेगा। संघर्ष के बिना पाए हुए वस्तु या पाए हुई कामयाबी का मूल्य आप नहीं समझ सकेंगे। जब आप संघर्ष करके किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हैं, उस कहानी उस वस्तु का, उस चीज़ का मोल बहुत ही अनमोल होता है, और वो खुशी जो है संघर्ष के बाद कामयाबी की, उसकी कल्पना भी करना असंभव है। आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम आती है, परीक्षा देने आप जाते हैं, बड़े परेशान होते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम लिखते हैं, रिजल्ट आता है, और रिजल्ट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से अबव निकल जाता है तो आपको कितनी खुशी होती है। आपको लगता है, आपको फीलिंग आती है अचीवमेंट वाली कि यार मैंने कुछ अचीव किया। तो ये सारी चीज़ें संघर्ष के बाद ही आपको उसका मतलब पता चलता है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अवर नेक्स्ट टेक्निक कि कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी रोज़ की प्रैक्टिस। अगर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक प्रैक्टिकल बताया कि आप शीशे के सामने खड़े होकर उससे बात करिए, क्लियर वर्ड में बात करिए, क्लियर टोन में बात करिए, एक्सप्रेशन से बात करिए, फेशियल एक्सप्रेशन को चेक करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस करने से आपका कम्युनिकेशन स्किल और इफेक्टिव हो जाएगा। द 11 टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज टू डेवलप करने के लिए आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बात करते हुए अपने वीडियो भी बना सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, इससे आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी नोट करके उसे सही कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, आज तो देखिए हर एक के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। आप अपने वीडियो बनाइए, अपना टॉपिक बोलिए उस पर, आप उसके वीडियो रिकॉर्ड करिए, अपनी आवाज़ को सुनिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जब आप अपने वीडियो बनाते हैं, आप उसको सुनते हैं बार 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 बार, तो आपको मालूम पड़ता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, कि आपका बात करने का तरीका कितना इफेक्टिव है। जब आप अपनी ही आवाज़, अपनी ही बात को रिपीट नहीं सुन सकते, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपकी आवाज़ को दूसरा सुनेगा। आपका वॉइस क्लियरिटी बहुत क्लियर होना चाहिए, इफेक्टिव वॉइस क्लियरिटी। आप जो बोल रहे हो, एक एक शब्द सही तरीके से कन्वे होना चाहिए, सही तरीके से आपका शब्द सामने वाले के मस्तिष्क तक और कानों तक सुनना चाहिए। एंड द 12th टेक्निक, किसी भी कम्युनिकेट करते समय ध्यान रखिए कि किसी के साथ आर्गुमेंट कभी ना करें, कभी भी आर्गुमेंट में ना पड़े। अगर सामने वाले से आपके विचार अलग हैं तो आप किसी टॉपिक पर डिस्कशन तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका डिस्कशन कभी आर्गुमेंट में ना बदले। आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है, आप डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन तक ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि सामने वाला उस डिस्कशन को आर्गुमेंट में तब्दील करने जा रहा है, या फिर आपके खुद की बातें आर्गुमेंट कर सकती हैं, आर्गुमेंट बन सकती हैं, तो उसको वहीं पर समाप्त कर दें, नहीं तो वो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो 13th टेक्निक, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आप अलग अलग तरह के लोगों से बात करते रहने की आदत डालिए। किसी नए व्यक्ति से बात करने का मौका मिले तो कभी ना छोड़ें, क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों से बातचीत करके आप अपने संचार कौशल को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। आप देखेंगे कि भाई मार्केटिंग करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल वेरी इंप्रूव होता है। बोलते यार बहुत तगड़ी मार्केटिंग करते हैं, उसका मार्केटिंग करने का तरीका तो बहुत खतरनाक है, एक बार में लोगों को कन्विंस कर लेते। क्यों? क्योंकि वो डेली अलग अलग लोगों के साथ मिल करके अपने कम्युनिकेशन स्किल को
इम्प्रूव करता रहता है और उसकी वो प्रैक्टिस होती रहती है और प्रैक्टिकली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी इफेक्टिव हो जाती है कि किसी को भी वो कम्युनिकेट और कन्विंस कर सके। नाउ द 14th इफेक्टिव टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन के लिए आपको दूसरों के साथ एम्पथी का प्रयोग करें। फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप एम्पथी का प्रयोग करते हैं, अर्थात यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसका पैसा किसी बिजनेस में डूब गया है, तो जब आप उससे बात करें तो खुद को उसी जगह पर रखें, यानी आप बात करते समय वही महसूस करें जैसा वह महसूस कर रहा है। इस तरह से वह आपकी बात को बेहतर समझ पाएगा। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड लाइन। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो इंसान जिस सिचुएशन में है, जिस परिस्थिति में है, और आप उससे बात करते समय उस परिस्थिति को महसूस कर सकते हैं या आप उस परिस्थिति को समझ पा रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और इम्प्रूव हो जाएगा और आपका बात करने का तरीका बहुत ही बेटर निखर कर के आएगा। एंड 15th इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह भी जानना है कि किससे बात कर रहे हैं। अगर आप जब बात करते हैं किसी के साथ में, तो पहले ये देखिए आप किससे बात कर रहे हैं। यदि आपने अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी बच्चे से बात कर रहे हैं या अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखकर ही बात करने का तरीका आना चाहिए और वे ऑफ टॉकिंग को अपनाना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। बच्चे के साथ में बच्चे की तरह बात करनी चाहिए, आपके माता पिता से बात कर रहे हैं तो उनको वैसी रेस्पेक्ट दे करके बात करिए, और आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो एक प्रॉपर वे में बात करिए। आप इस तरीके से बात करिए कि आपकी बात करने का तरीका, आपके बात करने का लहजा, आपके बात करने की अदा लोगों को इम्प्रेस करे, आकर्षित करे, आपके साथ जुड़ना चाहें, आपसे बात करना चाहें। ऐसा ना हो कि जब भी आप उनको मिलने जाते हैं वो आपसे भागते हैं दूर। इस तरह का कम्युनिकेशन स्किल कभी नहीं होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल एकदम इम्प्रेसिव, आकर्षित और लोगों को साथ में जोड़कर चलने वाला रहेगा, तो आपको उसमें कामयाबी मिलने के 100% चांसेस बन जाते हैं। द नेक्स्ट, बेटर कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए आप कम्युनिकेट करते समय सबसे पहले शब्दों को एक बार चेक जरूर करें। आप जो शब्द बोलने जा रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा, अर्थात बोलने से पहले जरूर सोचें। आपने देखा हो बहुत सारे नेता लोग, हम देखते हैं कि बोलने के टाइम कुछ भी बोल लेते हैं, बोलते हैं जवान स्लिप हो गई उनकी। गलत। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जवान स्लिप नहीं होती है किसी की भी, क्योंकि वो लोग बहुत ही बड़े वक्ता होते हैं, बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इफेक्टिव होता है। वो जब कुछ चीज़ को बोलते हैं उसके पीछे चार चीज़ों को जोड़कर बोलते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि जबान स्लिप है, लेकिन उसके चार मायने निकल सकते हैं। तो आप किसी के साथ बात करें तो ये ज़रूर देखिए कि आप किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे इम्प्रूव हो और आपकी कम्युनिकेशन के अंदर लोगों को बात करने का इंटरेस्ट रहे। एंड द नेक्स्ट, फॉर डेवलपिंग गुड कम्युनिकेशन, आप किसी की बात को सुन रहे हैं तो उसे भी ना टोकें। जब कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसको सुन रहे हैं तो पहले प्रॉपर उसको सुनिए, बीच में टोकिए मत, अर्थात आप सामने वाले की बात को बीच में काट कर अपनी बात ना करें, पहले इस बात को पूरा ध्यान से सुन लें। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बात कर रहा है, सामने वाला कोई इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर बातचीत कर रहा है, तो उसे कभी बीच में ना टोकें। उसकी बात को समाप्त होने दें, उसकी बात को कंप्लीट होने दें, उसके बाद ही आप अपना व्यू, अपना मंतव्य सामने बता सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो कुछ बताना चाह रहा है आप बीच में टोक देते हैं। जब तक आप सामने वाले की बात को प्रॉपर सुनेंगे नहीं, आप टोका टाकी बंद नहीं करेंगे, तब तक आपका ये कम्युनिकेशन स्किल मजबूत नहीं होगी। जब सुनना ही नहीं सीखेंगे तो बोलेंगे कैसे?
कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करने के लिए पहले आपको खुद बेहतर लिसनर होना चाहिए। बेहतर स्पीकर बनने से पहले पहले बेहतर लिसनर बने। नाउ द नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाने के लिए आपकी नॉलेज भी बेहतर होनी चाहिए। आप जिस किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं और आप कूद पड़े, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको जब भी किसी भी टॉपिक पर बात करनी है तो आप उस टॉपिक पर पूरी नॉलेज, पूरी पकड़ रखिए और उसके हिसाब से ही आप बोलिए। अगर आप अपने टॉपिक पर अच्छी नॉलेज रखते हैं, यदि आपको टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी है, तभी आप एक इम्प्रेसिव कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप अपनी नॉलेज का बातचीत करते समय ठीक में प्रयोग करिए और ध्यान रहे कि ऐसा करते समय आपने वाले को यह ना लगे कि आपकी नॉलेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको उस टॉपिक पर पूरी जानकारी है, फिर भी सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर घमंड है और आप उसको ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि आई एम बेटर देन यू, आई एम समथिंग, आई एम ब्ला ब्ला, आई एम मोर नॉलेजेबल, मोर कैपेबल देन यू। अगर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर घमंड वाली बात है, आपके अंदर ईगो वाली बात है, आपके अंदर जलन वाली बातें हैं और आप उस उन बातों से सामने वाले को छोटा या नीचा दिखाना चाहते हैं, तो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर मजबूत नहीं हो पाएगा। नाउ द नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाने के लिए आप बातचीत के बीच में प्रश्न भी करते हो। आपके द्वारा पूछे गए सारे सवाल क्वेश्चन तय होने चाहिए, वह होने चाहिए जो बातचीत से रिलेटेड हो, और वह कम्युनिकेशन और इम्प्रेसिव। आप एक एक्सेल शीट बनाइए, आप एक्सेल शीट बनाइए, उसमें उन्हीं बातों को शामिल कीजिए जो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर आपका द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, आपके द्वारा की जा रही बात सामने वाले तक प्रॉपर कम्युनिकेट हो रही है, ठीक है, और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन इम्प्रेसिव बन सकता है। नाउ द नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाने के लिए आप अपनी जानकारी के लोगों से कम पर फीडबैक लेते रहें। अगर आपके अंदर बेहतर क्षमता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया बने और आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको वैल्यू मिले, तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए जो दूसरे जो क्या बोलते हैं, जो फीडबैक देते हैं, जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, अपने दोस्त यार फ्रेंड टीचर्स जो भी आपके शुभेच्छिक हैं, उनके साथ में आप फीडबैक लेते रहें, उनसे पूछते रहें कि जब आप किसी से बात करते हैं, देखिए जब दो लोग बात कर रहे हैं और तीसरा सुन रहा है, और जो तीसरा सुन रहा है अगर वो आपका दोस्त है, तो वो आपको बाद में बता ही देगा, यार तेरा बात करने का तरीका बहुत ज़ोरदार है, तेरे में ये अच्छा ही है। अगर आपने देखा कि अगर आप में कुछ कमी है, तो तीसरा बोल देगा आपका दोस्त, यार तुझे बराबर बात करना नहीं आता, तू यार गोल गोल लपेटे में लेता है लोगों को, यहाँ गलती करता है, यहाँ गलती करता है, तो वो तो रहने वाला है, ठीक है। मतलब तो निंदक निय रे राखिए। देखिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फीडबैक मिलता रहेगा तो आपके जीवन के अंदर आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी पर कबीरदास जी ने एक दो लाइनें बहुत अच्छी लिखी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय कबीरा, आंगन कुटी छबाय बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सहाय कबीरा, निर्मल होत सहाय। अगर आपको आपके काम के अंदर प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है, तो समझिए आप सही तरीके से जा रहे हैं। अगर आप काम ही करते जा रहे हैं, फीडबैक ले ही नहीं रहे, अच्छा है खराब है कोई बता ही नहीं रहा आपको, तो आप उतने सक्सेस नहीं हो पाएंगे जितना सक्सेस आपको चाहिए।
तो बेहतर है आप अपने काम को प्रॉपर करते रहिए और आपको अपने फीडबैक मिलता रहेगा। देखिए, समय 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 पर आप जब कोई काम करते हैं तो उसका फीडबैक आपके दोस्त लोग आपको देते हैं। अगर फीडबैक जो है वो आपको बेटर कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बेटर कम्युनिकेशन में किसी ने बोला यार तेरे में तो कमी है तो आप खुशी आप दुखी हो जाएं, आप गुस्सा करें उस पर और उसको एक्सेप्ट ही ना करें। अगर आपके कम्युनिकेशन में कोई कमी रह जाती है और कोई आपको ये फीडबैक देता है तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और उसको दूर करने का प्रयास करें। एंड द लास्ट टेक्निक, लास्ट टेक्निक और लास्ट वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सभी को हमेशा रेस्पेक्ट करना सीखें। जब भी आप किसी से बात करें तो आपकी बातों में रेस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। ध्यान रखिए, यदि आप किसी से रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं तो कम्युनिकेशन अपने आप में अच्छा होने लगेगा। आपके बात करने के अंदर अगर दूसरे सामने वाले के लिए सम्मान की भावना है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा और वो आपका कम्युनिकेशन आपको इफेक्टिव और इम्प्रूव रहेगा। जब तक आप सामने वाले की इज्जत नहीं करेंगे, प्यार से बातचीत नहीं करेंगे, आपकी बातों में नरमी नहीं होगी, मधुरता नहीं होगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर रहेगा। हमेशा साथ साफ उच्चारण के साथ में, रेस्पेक्ट के साथ, प्यार से बोलते ना, ये तो यार गुड़ से भी ज़्यादा मीठा बोलता है। ये सारी चीज़ें काम आती हैं। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक खराब शब्दों का उपयोग ना करें और डेली रूटीन में गाली गलौज इस तरह के शब्दों को उपयोग में ना लाएं। क्या होता है, कभी कभी आप रफ लैंग्वेज में बात करते हैं और वो आपका रूटीन बन जाता है, और जब आपका ये रूटीन बन जाएगा तो आप जब कहीं अच्छी तरह बात करना चाहेंगे तो भी वो नहीं निकलेगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बम्बई लैंग्वेज में बात करते हैं, जो टपोरी लैंग्वेज में बात करते हैं, उनको आप बोलिए कि आप हिंदी में एक पैराग्राफ बताइए तो वो हिंदी का एक पैराग्राफ भी ऐसी बात करेंगे जैसे वो टपोरी लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पर बातचीत करते रहिए, अच्छा अच्छा टॉपिक बोलिए, वीडियो रिकॉर्ड करिए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए, उसे सुनिए, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक उच्चारण एकदम क्लियर होना चाहिए। आपका क्वालिटी, क्वांटिटी और आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट पे आपको पूरी पकड़, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और जब तक आप सामने वाले की बात को नहीं सुनेंगे, आपको अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। आपने कभी देखा है, छोटा बच्चा जब होता है पहले वो जो सीखता है, उन्हें बाप पापा मम्मी को देखता है, भाई को देखता है, उनको देख देख के वो बोलना सीखता है। आप जिस तरह से घर में बात करते हैं तो डेफिनेटली बच्चा उसी तरीके से बात करेगा। आपने कभी देखा है मद्रासी का बच्चा कभी हिंदी क्यों नहीं बोलता, गुजराती का बच्चा गुजराती बोलता है? कारण कि जैसा एटमॉस्फियर आपके आसपास है, तो जैसा वातावरण आपके पास में है, बच्चे सब एक जैसे होते हैं। जापान में कोई बच्चा पैदा हो जापानीज बोलेगा, ठीक है, महाराष्ट्र में कोई बच्चा पैदा हो तो मराठी बोलेगा। जिस तरह की भाषा, जिस तरह के शब्दों का वातावरण, जिस तरह की कम्युनिकेशन उसके आसपास हो रही है, उसके जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए पहले आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। सब्जेक्ट को स्टडी करिए, सब्जेक्ट को प्रॉपर पढ़िए, सब्जेक्ट पे पूरी पकड़ रखिए और सबसे पहले सामने वाले को सुनिए, पहले प्रश्न को सुनिए, फिर थोड़ा समय लेके उत्तर दीजिए। ऐसा आप तभी, जब आप किसी से मिलने जाते हैं, आप एक कोई चीज़ है, आपने देखा बहुत सारे सेल्समैन होते हैं, बोलते हैं आई एम सेल्स पर्सन। वो सेल्स पर्सन जाता है दूसरे को मिलने के लिए और जाके सीधा कूद पड़ता है और सारी बातें वो खुद ही बताता है, भाई हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कभी वो दूसरे की सुनता नहीं है।
तो आपको पहले बात को सुनना और समझना आना चाहिए, उसके बाद ही आप उस पर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वेबिनार यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं जल्दी नेक्स्ट वेबिनार अच्छे टॉपिक के साथ में लेकर के आएंगे। और जो भी लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, हमारी एक टीम जो है उनका रिकॉर्ड करती है और डेफिनेटली उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण सर्टिफिकेट्स अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जल्दी वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाएगी और सर्टिफिकेट्स उनको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट संडे ऑन टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर, एन्जॉय द डे।